हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल यादव एवाई क्रिएशन। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि ई पंचायत बिहार का जो पोर्टल है उस पर वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम खोलेंगे, फिर यहाँ पर सर्च करेंगे ई पंचायत। यहाँ सबसे ऊपर ही ई पंचायत डॉट बिहार डॉट एन आई सी डॉट इन का लिंक आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इस तरह का पोर्टल खुलेगा ई पंचायत बिहार और ई ग्राम स्वराज का। तो यहाँ ई पंचायत बिहार पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से ऑफिशियल लॉगिन करेंगे, फिर यहाँ आप अपने पंचायत का आईडी पासवर्ड डालेंगे और यहाँ कैप्चा लिखेंगे। और यहाँ से लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगेगा वेंडर रजिस्ट्रेशन को करने के लिए, वेंडर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो है आधार, पैन, कैंसिल चेक, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जीएसटी डॉक्यूमेंट। ये जो 6 चीज है अति आवश्यक है, इसको अपने पास रखना होगा, फिर वेंडर रजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट साइड में मास्टर एंट्री पर क्लिक करेंगे, फिर सबसे ऊपर ही जीएसटी एंट्री है, फिर जीएसटी एंट्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ जीएसटी नंबर लिख करके यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद वापस मास्टर एंट्री में आएंगे, फिर वेरीफाई जीएसटी करेंगे, फिर यहां से जो आपने एंट्री किया था वो अभी आपको नॉट वेरीफाइड में दिखाएगा, सो यहां नॉट वेरीफाइड करके यहां से सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद जो आपने जीएसटी नंबर डाला था वो दिखने लगेगा, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से वेरीफाई कर देना है, तो यहाँ वेरीफाई कर देंगे। फिर वापस मास्टर एंट्री में आएंगे, जीएसटी एंट्री हो गया, वेरीफाई जीएसटी हो गया, फिर वेंडर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ जीएसटी नंबर डालेंगे। आपने जो वेरीफाई किया था जीएसटी, अगर यहाँ आप डालते हैं तो कुछ चीजें आपको ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, उसको छोड़ देना है, बाकी को लिख देना है। तो यहाँ जीएसटी नंबर लिख देंगे, फिर कंफर्म जीएसटी नंबर लिखेंगे, वेंडर नेम लिखेंगे, वेंडर ओनर नेम लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, आपको आपके वेंडर का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चूज कर लेंगे, फिर यहाँ से टाउन लिख देंगे, फिर यहाँ वेंडर का एड्रेस दे देंगे, आईएफसी कोड, फिर बैंक डिटेल्स, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, एक बार और दोस्तों, आईएफसी और अकाउंट नंबर एकदम सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आईएफसी और अकाउंट नंबर को आप सही ही लिखिएगा। उसके बाद जो जीएसटी का डॉक्यूमेंट है उसको यहां से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जो जो आपने भरा है सभी को अच्छी तरह से मिला लें, फिर यहां से सेव कर दें। सेव करने के बाद आपका जो वेंडर रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा।
इस तरह आप वेंडर का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो थैंक यू। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।